अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुबह पंजाब की तहसील मैलसी के एक गांव में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि पंजाब के लोग, गांव के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका रहन सहन क्या है। और पंजाब के तकरीबन तमाम गांव के लोगों का रहन सहन तकरीबन मिलता जुलता है, तो आइए आपको दिखाते हैं। अल्लाह पाक ने पंजाब को चार मौसमों से नवाजा है। यहाँ गर्मी भी खूब होती है, सर्दी भी खूब होती है, इसके अलावा बहार भी होती है और बरसात भी होती है। दोस्तों, मैं ये गांव के लोगों की वीडियो चार हिस्सों में बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हिस्से को देख सकें। पंजाब की ज़्यादातर आबादी गाँव में रिहाइश पज़ीर है, और यहाँ के लोगों का ज़रिया आमदन ज़रात है। यहाँ की अहम फसलें कपास, मकई और गंदम हैं। पाकिस्तान के 15% हिस्से पर कॉटन काश्त की जाती है। पाकिस्तान अमेरिका, चाइना, इंडिया के बाद कॉटन प्रोड्यूस करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की इकॉनमी ज़्यादातर कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बेस करती है। कॉटन हमारे इलाके की बहुत ही अहम तरीन फसल है, लेकिन पिछले चंद सालों में इसकी प्रोडक्शन में कमी वाकई हुई है। पाकिस्तान में गंदम और चावल के बाद मकई अहम तरीन अनाज है। ये पाकिस्तान के 1.3 मिलियन हेक्टर पर काश्त की जाती है, और साउथ एशिया में इसकी पैदावार तकरीबन 5 टन के करीब है। पाकिस्तान के गर्म इलाकों में आम के मुख्तलिफ वराइटीज़ काश्त की जाती हैं, जिसमें चौसा, लंगड़ा, दोसेरी और अनवर लिटोर मशहूर हैं। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 1,50,000 मेट्रिक टन आम एक्सपोर्ट करता है, जो कि ज़्यादातर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता। पिछले चंद सालों में पंजाब में मीठे के बागात लगाने में इजाफा देखा गया है। मीठा एक मुनाफा बख्श फसल है और सेहत के लिए नहायत ही मुफीद है। इस साल गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मीठे के बाग में उतना फल नहीं लगा जितना पहले लगता था। पिछले कई सालों से अंगूर को सिर्फ सर्द इलाकों की फसल समझा जाता था, लेकिन पिछले चंद सालों में जनूबी पंजाब के गर्म तरीन इलाकों में भी अंगूर की काश्त में इजाफा देखा गया है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करने के साथ साथ मवेशी भी पालते हैं। ज़्यादातर अफराद गाय, भेड़, बकरी और भैंस घरों में पालते हैं, जिससे वो अपनी दूध की ज़रूरियात पूरी करते हैं। अगर उनकी दूध की ज़रूरियात पूरी हो जाए और दूध बच जाए, तो बाकी दूध गवाला को फरोख्त कर दिया जाता है। मवेशी पालना एक मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। गांव के लोग चारे के लिए मकई, बाजरा, ज्वार और दूसरे चाराजात काश्त करते हैं, और इन्हें लोहार की बनी हुई एक ख़ास दरांती के साथ काटा जाता है। ये भाई बहुत ही प्यारे मौसम में घास की कटाई मुकम्मल कर ली है इन्होंने। घास को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल गाड़ी और गधा रेड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर घास नसीक हो तो उसे कंधे पर या कमर पर उठा के चॉपर मशीन के करीब पहुंचाया जाता है। दोस्तों, मैं अपने फार्म पर मौजूद हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक अंकल चॉपर मशीन से घास को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं। घास को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के बाद इसको जानवरों तक पहुंचाया जाता है। ये चचाजान अब जो है घास को उठा कर जानवर की तरफ लेकर जा रहे हैं।
आजकल बारिशें ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ चारे को ही जानवर के भैंस के सामने डाला जा रहा है। भूसा आजकल बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से चारे की बहुतात होने की वजह से सिर्फ चारे को ही भैंस के सामने डाला जा रहा है। कुछ लोग चारे के साथ भूसा लाजमी मिलाते हैं। उनका कहना है कि इस तरह जानवर घास शौक से खाते हैं। जिस तरह सालन रोटी के बगैर अधूरा होता है, इसी तरह ये भी वो शौक से नहीं खाते। ये गाय मुझ पर शदीद गुस्सा कर रही है। आंटी बारिश में जो है जलाने के लिए लकड़ी लेके जा रही है। गाय एक मरतबा फिर मुझे मारने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम दुनिया के बड़े इरिगेशन सिस्टम्स में से एक है। यहाँ पर पानी दरियाओं से नहरों, नहरों से मांडरों और फिर मांडरों से खालों में और खालों से ज़मीनों को सैराब करता है। ये 14.4 मिलियन एक्टर्स को सैराब। देहात के जवान शलवार कमीज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बुज़ुर्ग धोती कमीज और पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। देहाती ज़िंदगी बहुत ही सादा ज़िंदगी है। यहाँ पर हजाम घरों में भी अपनी खिदमात सरंजाम देने के लिए आते हैं और इनको जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठ जाते हैं। आजकल गांव में बरसात का मौसम चल रहा है। बारिश में कीकर के पत्तों पर बारिश के कतरे नहायत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। बारिश में नहायत खूबसूरत और प्यारे वैसे गांव की दुकान पर चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं। ये गांव की छोटी सी दुकान है, जहां पर गांव की छोटी मोटी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। दुकानदार का नाम मोहम्मद आसिफ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। गांव के हवाले से और फसलों के हवाले से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।